पंजाब के पुलिस वाले आए दिन अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। आपने कई बार पुलिस के पैसे लेने, किसी को थप्पड़ मारने या नशे में चूर रहने की खबर सुनी होगी, लेकिन नवांशहर में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले ने ऐसा कारनामा किया जिसकी वजह से पूरे महकमे की थू थू हो रही है। पूरी घटना कस्बा राहों की है। यहाँ ड्यूटी में तैनात एक पुलिस कर्मचारी ने सब्जी वाले से पैसों की मांग की। गरीब के पास देने को पैसे नहीं थे तो पुलिस वाले ने उससे उगाही में प्याज लिए। वहां मौजूद एक शख्स ने पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों ने आरोपी पुलिस वाले पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वो गरीब बंदा जी ऑटो वाला उनके को पैसे मंगे गए, पैसे नहीं देते, उन्होंने कहता प्याज पा लो, तो हूँ प्याज पा के इन्हों दे लगा वा आ खड़े जी राहू। लाइटा मारी जाते ने आ गड्डी वाले को इन्होंने पैसे ले लेने, गड्डिया जा रही ने, कोई नाका नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। ये राहों की वीडियो है जी, वो बंदा पाँदा पिया वा प्याज पाँदा पिया वा, उन्होंने कहता यार 100 रुपए दे दिया प्याज पाए, उन्होंने मुंडे हक मिले, वो मुंडे हक मिले, हाँ एक होर गड्डी रोक ली है, कागज चेक करने हैं साहब भाई। हलो जी, हाँ इन्हें जी प्याज फट लिया जी, पैसा कौन दिता, चलो जी।